हेलो फ्रेंड्स यू आर वेरी मच वेलकम टू माय चैनल हार्दिक इस रिटेलिंग मेरा नाम है हार्दिक कड़िया और मैं एक रिटेलर हूँ मेंस क्लोथिंग में वेल इस चैनल पे मैं यहाँ मेंस क्लोथिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ वेल आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैंट्स फैब्रिक्स तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं ओके वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका अटेंशन दो वर्ड्स पे फोकस करवाना चाहता हूँ पहला है पैंट्स एंड दूसरा है ट्राउजर्स वेल टेक्निकली दोनों का मीनिंग बहुत अलग है जहाँ पे यू में फॉर्मल्स को पैंट्स बोलते हैं वही यू में वही फॉर्मल्स को हम ट्राउजर्स बोलते हैं बट फॉर द सेक ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो में हम पैंट्स और ट्राउजर्स को एज अ सिनोनिम यूज़ करेंगे मतलब हम दोनों का मीनिंग सेम रखेंगे तो चलिए समझते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पैंट फैब्रिक्स या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राउजर्स फैब्रिक्स शर्ट की तरह पैंट भी दो टाइप के फैब्रिक से बनते हैं मैनमेड फैब्रिक्स या फिर नेचुरल फैब्रिक्स वेल अगर हम मैनमेड फैब्रिक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिमांड एंड सप्लाई ये चार फैब्रिक्स की रहती है पॉलिएस्टर विस्कॉस क्वाड्रॉय एंड स्पेंडेक्स वेल ये चार वो मैनमेड फैब्रिक्स है जिसकी डिमांड एंड सप्लाई इंडिया में सबसे ज़्यादा है सबसे ज़्यादा यूज़ ये चार फैब्रिक्स का होता है चलिए सबसे पहले हम पॉलिएस्टर फैब्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं पॉलिएस्टर फैब्रिक के पैंट्स सबसे सस्ते मिलते हैं मार्केट में वैली well, वो पैंट्स है जो हमें 400 और 500 रुपए में भी मिल जाते हैं एंड फ्रेंड्स उसके पीछे बहुत रीजंस है पॉलिएस्टर सबसे सस्ता एंड सबसे लो क्वालिटी फ़ैब्रिक रहता है यही रीज़न के वजह से हमें वो पैंट्स कभी नहीं पहनने चाहिए आप पोलियस्टर को कंपेयर कर सकते हो प्लास्टिक पहनने से वेल well, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फ़ेस होते हैं जैसे बॉडी हीटिंग स्किन रैशेस एंड स्किन इन्फेक्शन जैसी चीज़ें पर अगर यही अच्छे पॉलीस्टर को हम एक अच्छे क्वालिटी के विस्कॉस के साथ ब्लेंड करें तो एक बहुत अच्छा पोलीविस्कॉस पैंट बन जाता है और वैसे ही पॉली कॉटन एंड पॉली पॉलीवुल के पैंट भी बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं वेल well, अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो पॉली पॉलीवुल और पॉली कॉटन ये तीनों टाइप के फैब्रिक्स के पैंट्स बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं भले ही वो टेलर मेड हो या फिर रेडी मेड के अलावा अगर हम विस्कोस की बात करें तो अच्छी क्वालिटी के विस्कोस पैंट बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लोग उसे पसंद करते हैं तो अब सवाल ये है कि अच्छे क्वालिटी के फैब्रिक्स हम कहाँ पर ढूंढने जाएँ वेल well, इसका सिंपल आंसर ये है फ्रेंड्स कि आपको आपके एरिया में एक ट्रस्टवर्दी रिटेलर ढूंढना पड़ेगा या फिर कोई ब्रांड के सामने लॉयल होना पड़ेगा वेल पोलियर एंड विस्कॉस के अलावा अगर हम क्वार्रॉय ये फैब्रिक की बात करें तो क्वाड्रॉय का फैब्रिक आजकल इतना डिमांड में नहीं है ट्रस्ट में सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल फ़ैब्रिक मतलब क्वाड्रॉय पर दस या पंद्रह साल पहले उसकी बहुत डिमांड होती थी एंड अभी वो डिमांड कम्पेरेटिवली बहुत कम हो चुकी है एंड अगर हम डिमांड की ही बात करें तो स्पेंडिक्स इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है स्पेंडिक्स वन ऑफ दी लाइक्रा मटेरियल है जो फैब्रिक्स में यूज होता है एक स्ट्रेचबिलिटी देने को एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स इसकी डिमांड बढ़ने का बहुत बड़ा रीज़न है आजकल सबको नैरो फिटिंग के फॉर्मल्स एंड सेमी फॉर्मल्स पैंट्स बहुत पसंद है ये नैरो फिटिंग के पैंट्स लोगों को कंफर्ट नहीं देते बट सडनली वो स्ट्रेचेबिलिटी आने के वजह से उन्हें वो कंफर्ट भी मिल जाता है और उनका लुक भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता मैन मेड फैब्रिक्स के अलावा अगर हम पैंट्स में नेचुरल फ़ैब्रिक्स की बात करें तो कॉटन वुल एंड लेन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है उसकी डिमांड एंड सप्लाई सबसे ज़्यादा है कॉटन फैब्रिक विथ स्पेंडिक्स या फिर कॉटन विथ लाइक्रा फैब्रिक एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के पैंट्स बनाता है वैसे ही पॉलिएस्टर फैब्रिक फैब्रिक भी बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के पैंट्स बनाता है एंड अगर हम लिनन की बात करें तो लिनन फैब्रिक के पैंट्स पहनने के सिर्फ दो रीजन रहते हैं आइर स्टेटस या फिर एक्सपीरियंस ये दो रीजन के अलावा कोई और रीजन पॉसिबल नहीं है कि हम लिनन फैब्रिक के पैंट पहने वो फ्रेंड्स जो फैब्रिक की लिस्ट मैंने इस वीडियो में समझाई है वो एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है एग्जॉस्टिव नहीं इसके अलावा भी मार्केट में बहुत ज़्यादा फैब्रिक्स के पैंट एग्जिस्ट करते हैं अगर हम ट्रैक पैंट्स की बात करें तो ट्रैक पैंट्स मोस्टली बनते हैं होजेरी से होजेरी वो फैब्रिक है जो हमें बहुत ज़्यादा कम्फर्ट देता है बट आई गारंटी यू ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके लिए मोर देन सफिशेंट है आपके नेक्स्ट परचेज के लिए एंड ट्रस्ट यू फ्रेंड्स ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन लेके आप कोई भी ट्रस्टेड रिटेलर के पास जा सकते हो एंड आपकी नीड आप कॉन्फिडेंटली उन्हें समझा सकते हो सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट परचेज